नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। खबर जरूरी है, मैं हम आपको हर वो खबर दिखाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट जगत के हलचल भी दिखाते हैं, तो वायरल हो रहे वीडियोज की जानकारी भी हम आपको देते हैं। लेकिन शुरुआत खबर जरूरी है कि करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, रविवार को मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ, वारदात के 70 घंटों के भीतर दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है, वो भी गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हुई है। मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस को अलर्ट किया था और फिर मुखबिरों की गुप्त सूचना के आधार पर भुज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान बिहार के विक्की गुप्ता और सागर पाल के तौर पर हुई है, जो कि पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई की क्राइम ब्रांच अब दोनों को भुज से फ्लाइट से जो है वो लेकर आ रही है। पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि ये लोग कैसे लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, ये वो दो आरोपी भुज से गिरफ्तार किए गए हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें लेकर आ रही है, पूछताछ होगी, फिर पता चलेगा कहां कैसे क्या प्लानिंग हुई थी, कैसे ये लॉरेंस गैंग से जुड़े और किसने इन्हें कहा फायरिंग करने के लिए। क्या फायरिंग की तो रेकी इन्होंने ही की थी या किसी और ने की थी, तमाम जानकारी सामने आएगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और 70 घंटे बीते हैं, दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये वही दो शूटर्स जो इस वक्त आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। मुंबई से